प्रशासन का माहौल देखा है, ये सिवाय नेताओं की चमची मारने के सिवाय इनके पास कुछ नहीं है। मोबाइल में लिख लिख के भेजे हर एक दफा भर के पिकअप ले जान लग रही है। अच्छा, 7 बजे बैठा था, कदे नंबर को नहीं पड़ो है, भुखा हटी छाया बैठा और कदे नंबर को नहीं आयो और को आउन दी। कोई सिस्टम नहीं है, ना सिक्योरिटी है, खुद की सिक्योरिटी है। न्यू दुर्गा ज्वेलर सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। ये है जी काउंटर बीज के लिए, ये देखिएगा बीज बिक्री काउंटर नंबर 1। यहाँ पे सिरसा और फतेहाबाद के किसानों को बीज मिलना है, बीज गेहूं का, सरसों का, चना का और जौ का, ये है। और यहाँ पे ये लाइन मैं आपको जो है वो दिखाना चाहूँगा, ये देखिएगा ये यहाँ तक शुरुआत है। भाई साहब कौन सा नंबर आपका? 36। 36, अच्छा 36 है। अभी कितना टाइम हो गया आपको यहाँ? 4 घंटे। 4 घंटे हो गए, कब लगे थे लाइन में? 7 बजे। 7 बजे आप जाके नंबर, अभी तक 33 लोगों को नहीं दिया गया? नहीं दिया। एक बंदे को करीबन 15 मिनट लगती है और ये सिस्टम ही खराब है इनका। सुबह मान लो 4 बजे या 3 बजे आके यहाँ रुके हैं, कोई सिस्टम नहीं है, ना सिक्योरिटी है, खुद की सिक्योरिटी है, लाइन में खुद का नियम बनाया हुआ, उसके हिसाब से चल रहे हैं जी। अच्छा। बाकी इनका HEU के कोई तरफ से कोई समाधान नहीं है। कोई बीच में भी आगे लग जाता है? बीच में जबरदस्ती लड़ाई होती है यहाँ। अच्छा। लड़ाई होती है, बिल्कुल धक्का दे देके निकालती है जी। राम राम भाई साहब, प्रदीप कासनिया नाम है मेरा, मक्कोतराने से स्पेशल बीज लेने के लिए आया हूँ सर। अच्छा। सुबह रात मतलब रात से चल दिया वहाँ से, तो यहाँ 4 बजे पहुँच गए सुबह लाइन से हूँ मैं, और अपने खुद का सिक्योरिटी बना के नंबर वाइज लिख के मैंने बकायदा लाइन लगा रखी है और मेरा 34वां नंबर है, देख रहा हूँ इंतजार कर रहा हूँ। ये नंबर किसने लगाया है? खुद हमारे किसान के किसान भाइयों ने खुद बना के वो बनाया है सर। ये सिरसा के किसान है तो ये पॉसिबल हो पाया है शायद, क्योंकि ठंडे किसान है, ज़्यादा जबरदस्ती नहीं करते हैं। तो उसके बाद ये देखिएगा ये लाइन मैं आपको दिखा रहा हूँ, अपना हुक्का पानी साथ लेकर के जो है वो ये किसान लाइन में लगे हुए हैं। जी भाई साहब, नमस्कार सभी भाइयों को। 5 बजे गाइड जी, 3 बजे का बैठे है, 3 बजे नंबर आयो को नहीं, 3 बजे का बैठे। अच्छा, भीड़ ज्यादा है, टाइम ज्यादा लगा हुआ है। बीज आपका आदमी ने दे, ये आपका आदमी ने क्या दे, मोबाइल में लिख लिख के भेजे हर एक दफा भर के पिकअप ले जान लग रही है। हाँ, यंग आदमी हम भेजे, कोई चाको दे दे यार, पर्ची टोकन कटे मारे, कोई नियम है, कोई कौन हूँ। 26 है, 298 नंबर है, 7 बजे आया मैं आवा गो अथन हो जाए, मेरा कौन बीज मिलेगा, कौन मिलेगा यही कौन मेरे। चलिए मैं आपको ये पूरी लाइन दिखाता हूँ, ये देखिएगा ये लाइन में लगातार जो है वो किसान लगे हुए हैं, और ये देखिएगा यहाँ पे किसी तरह की कोई सुरक्षा, कोई सिक्योरिटी वगैरह जो है वो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। जी भाई साहब, भाई साहब ऐसा है, ये लाइन 400 तक जारी है, बीज आज मिलना है सिर्फ 100 को, बाकी मेला भी नहीं दे सकते, किसान हो रही है परेशान। इसमें कोई सिस्टम होना चाहिए, जैसे कि बैंक में अपने टोकन देते हैं सिक्का, तो वो टोकन दे दे तो किसान अपना मेला भी देखे और उसको बीज भी मिल जाए, उनको इतना ही भरोसा दे भाई, जैसे 100 को बीज देना तो 100 ही टोकन दे दे, उनको निश्चित टाइम दे दे, लगभग इतने बजे आ जाए, तो इधर लाइन भूखे प्यासे खड़े हैं, सुबह से 3 बजे से आ रही है, तो बहुत ही मान लो सिस्टम हो रहा है, अंदर से दे रहे हैं, पता नहीं 10-10 मिनट एक बंदे में लग रहे हैं, सुबह 3 घंटे हो गए, सिर्फ 26 बंदों को इस लाइन में बीज दिया है, तो किसान क्या उम्मीद करे, मान लो कोई सिस्टम नहीं है जी। ये देखिएगा ये लाइन जो है वो किसान काफ़ी खफा नज़र आ रहे हैं इस सिस्टम से, और ये लाइन मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ, देखिएगा ये लाइन में कुछ लोग खड़े हुए हैं और अपनी बारी का जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। अंकल जी कब से आए थे आप? नमस्कार जी, मैं सुबह 7 बजे पहुँचा था जी यहाँ। अच्छा। उस टाइम यहाँ सिर्फ 50-60 आदमी लाइन में बैठे थे, उन्होंने अपना सीरियल नंबर खुद अपने आप लगा दिया किसानों ने, जब तक व्यवस्था सही थी, 200 आदमियों का नंबर था उस टाइम तक, व्यवस्था सही चल रही थी, लेकिन जब हम पहुंचे
हमारे 235 नंबर है मेरा, 235-40 तक सही चला। बाद में अब किसान जो आ रहे हैं वो आगे जाके लाइन में लग जाते हैं, ना लाइन की व्यवस्था रही है ना यहाँ कोई बीज देने की व्यवस्था है। तो अभी तक 26-27 आदमियों के कटे हैं, जबकि 400-500 आदमी हम यहाँ खड़े हैं किसान। हमारा सरकार से निवेदन ये है कि यहाँ आगे व्यवस्था बनाए, दो पुलिस या कोई कर्मचारी आके इनके लाइन बनाए, टोकन दे, ताकि हर किसान टोकन अपने अपने टोकन पर बारी का इंतजार करें। और व्यवस्था से हमारे को एक एक या दो दो थैली जो किसान की सरकार की नीतियाँ हैं उस हिसाब से हमें बीज मिला जाए। लेकिन हमें इस बात से अब देखो, जो किसान आज अब एक घंटा पहले आया है वो किसान तो आगे आगे लाइन में जा खड़ा हो गया, और जो हम सवेरे से यहाँ बैठे हैं 7 बजे से, उनको लाइन की कोई व्यवस्था नहीं है। तो काफ़ी जो है वो सवाल खड़े किए हैं यहाँ पे सरकार के, प्रशासन के, यूनिवर्सिटी के इस सिस्टम पे। तो ये देखिएगा, लगातार जो है वो किसान लाइन में खड़े हुए हैं, काफ़ी लंबी लाइन जो है वो इसको कह सकते हैं, कम से कम 100 मीटर लंबी लाइन जो है वो कह सकते हैं कि लाइन में लगातार किसान जो है वो खड़े हुए हैं। और यहाँ पे किसी तरह का कोई सिस्टम नहीं है कि कोई यहाँ पे आकर के कर्मचारी, चाहे सिक्योरिटी गार्ड हो या कोई और कर्मचारी हो, वो अगर सिलसिलेवार तरीके से इनको जो है वो लाइन में लगाए रखे तो जो है वो किसान लाइन भी ब्रेक नहीं करेंगे और सभी किसानों का आसानी से नंबर आ जाएगा। केवल एक या सिरसा के हैं। हाँ हाँ सुनाओ। तो सर कहीं 7 बजे में बैठा था, कदे नंबर को नहीं पड़ो है, बुखार तिछाया बैठा और कदे नंबर को नहीं आयो और को आउन जी। अच्छा, अब क्या बाबा को कौन आओ? कौन आओ जी? कौन आओ? हाँ, मैं तरकी दादरी जी। हाँ, किस चीज़ का बीज लेना? सरसों का बीज लेना था जी। तो ये सरसों और गेहूं का बीज, ज़्यादातर किसान जो है वो सरसों का बीज लेने वाले हैं। तो केवल ये नहीं है, बल्कि पूरा इलाका मैं आपको दिखाना चाहूँ अलग अलग जिलों का, तो जो है वो काफ़ी भीड़ यहाँ पे, ये देखिएगा, ये यहाँ से लेकर के और आगे तक जो है वो जितना जहाँ तक नज़र जाएगी वहाँ तक आपको ये किसानों की भीड़ नज़र आएगी। हर एक काउंटर पे जो है वो इस तरह की भीड़ जो है वो हमें देखने को मिलेगी, यानी कि किसी तरह का कोई सिस्टम जो है वो यहाँ पे नहीं बनाया हुआ है ताकि किसान आराम से जो है वो बीज ले सके और मेला भी देख सके। अब किसान जो यहाँ पे मेला देखने आए हैं वो या तो मेला देख सकते हैं या बीज की इस लाइन के अंदर जो है वो खड़े हो सकते हैं। ये देखिएगा, काफ़ी लंबी चौड़ी लाइनें जो है वो किसान लगा करके यहाँ पे खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में प्रशासन को चाहिए, सरकार को चाहिए, यूनिवर्सिटी को चाहिए कि आने वाले समय में जो है वो एक सिस्टम बनाया जाए जिससे कि किसानों को बीज लेने के अंदर दिक्कत जो है वो ना हो सके। ये यहाँ पे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और स्टाफ हैं, उनके लिए जो है वो व्यवस्था की गई है। तो वहाँ पे भी देखिएगा, किसी प्रकार से कोई भी सिस्टम यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। ये देखिएगा, ये छोटे से बच्चे को लेकर के एक महिला जो है वो खड़ी हुई है, यानी कि बच्चों को गोद में लेकर के खड़ा होना जो है वो महिलाओं को यहाँ पर पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर के बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना जो है वो यहाँ पे किसानों को करना पड़ रहा है। एक किसान जो है वो यहाँ पे और हैं, ये क्या कुछ कहना चाहिए? कहाँ से आए जी? मैं जी बांडा एडी से आया हूँ। अच्छा। राजकुमार नेहरा मेरा नाम है। और यहाँ पर जो प्रशासन का माहौल देखा है, ये सिवाय नेताओं की चमची मारने के सिवाय इनके पास कुछ नहीं है। किसानों का ये नजायज शोषण दमन कर रहे हैं, गेट के ऊपर इज्जतदार आदमी की इज्जत लूट लेते हैं सिक्योरिटी वाले, और यहाँ पर जो है कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सिक्योरिटी का बंदा नहीं है। एक बात, दूसरी बात, कुछ एक सिक्योरिटी के बंदे यहाँ घूम रहे हैं जिनको हमने सरेआम देखा है और उनको पकड़ा भी है, वो खुद यहाँ दो नंबर का काम कर रहे हैं, इधर उधर से आधार कार्ड लेके किसी और का वो सिक्योरिटी वाले को बैक साइड से भेज करके और उनको बीज दिला रहे हैं, उसके अंदर 200-400-500 रुपये की दिहाड़ी बना रहे हैं। ऐसे सिक्योरिटी का क्या औचित्य बनता है? ये बाकी आप देख रहे हो, यहाँ माहौल पानी को नहीं भाई साहब, पीने का पानी नहीं है यहाँ किसानों के लिए। आ रहे हैं भाई साहब 6 बजे से आ रहे लग रहे हैं, अभी तक नंबर नहीं आया है। ये देख लो 30 आदमी थे यहाँ पर, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई प्रोग्राम नहीं है सही ढंग से। तो यहाँ पे किसान जो है वो काफी परेशान है, ना पीने का पानी है और भूखे प्यासे जो है वो सुबह से लाइन में, सुबह 4-4 बजे से आकर के जो है वो यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं। ये देखिएगा तस्वीरों में, किसान जो है वो लगातार, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की कोई व्यवस्था नहीं, काउंटर बिल्कुल कम है, किसान सुबह से परेशान है, मेरे आँख में प्रेशर बढ़ गया, मैं 8 घंटे से लाइन में लगा हुआ हूँ, कोई सुविधा नहीं, पानी पीने की कोई सुविधा नहीं। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को चाहिए काउंटरों की संख्या बढ़ाई जाए, किसानों दुख दुविधा दूर की जाए।
शुक्रिया बातचीत के लिए। आप इस वीडियो को लेकर के और किसानों के इस बीज के लिए अथक प्रयासों को लेकर के और प्रशासन के इस सिस्टम को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।